कैप्टन साहब, पंजाब का आदमी आपकी गलती माफ कर सकता है, आपका धोखा कभी माफ नहीं करेगा। उनके गुरु ने कहा है कि 84 में जो हुआ वो हुआ, हुआ तो हुआ, ये कांग्रेस की सोच को दर्शाता है, कांग्रेस के अहंकार को दिखाता है। हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिंदा जला दिया गया, परिवारों को तबाह कर दिया, और बेशर्मी से कह रहे हो वाह वाह। कांग्रेस की एक और ऐतिहासिक गलती है जिसको सुधारने का काम अब हो रहा है। 1947 में कांग्रेस ने बंटवारा तो करा दिया, लेकिन हमारी आस्था के केंद्र करतारपुर साहब जी को कुछ ही किलोमीटर के फासले में पाकिस्तान में जाने दिया। प्रतिक्रिया हुई है, ये आप भी देख रहे हैं। साथियों, नामदार के ये खास अमेरिका से आए हुए, उनके गुरु ने कहा है कि 84 में जो हुआ वो हुआ, हुआ तो हुआ, ये कांग्रेस की सोच को दर्शाता है, कांग्रेस के अहंकार को दिखाता है। साथियों, आज मैं बठिंडा से पूरे पंजाब की तरफ से कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि वे कब तक वो इसी तरह हमारे जख्मों पर नमक छिड़कती रहेगी। भाइयों और बहनों, मैं देख रहा था कि नामदार ने अब अपने गुरु को कहा है कि जो कुछ गुरु ने कहा उस पर उन्हें शर्म आनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर नामदार, आपने गुरु को किस बात के लिए डांटने का दिखावा कर रहे हो? क्या इसलिए क्योंकि जो कांग्रेस के दिल में हमेशा था, नामदार परिवार की चर्चाओं में हमेशा था, वो नामदार के गुरु ने सार्वजनिक रूप से वो राज खुला कर दिया, क्या उसके लिए आप उनको डांट रहे हो? क्या नामदार के गुरु को घर की बात बाहर बताने के लिए डांटा जा रहा है? अरे नामदार, शर्म आपको आनी चाहिए। 1984 के सिख दंगों को आज 35 साल हो गए हैं। कांग्रेस की करतूतों की वजह से आज तक इन दंगा पीड़ितों को जो न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया है। इंसाफ के नाम पर कांग्रेस वाले कमेटी बनाते गए, कमीशन बनाते गए, इतने गंभीर मामले को रफा दफा करते रहे। इतना ही नहीं, गंभीर आरोप वालों को कांग्रेस ने केंद्र में मंत्री भी बनाया, गंभीर आरोप वालों को चुनाव की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी गई, पंजाब का प्रभारी बनाया गया। जब इसकी आलोचना हुई, पंजाब में जबरदस्त विरोध हुआ
और कांग्रेस की नैया डूबने लगी तो फिर उनको पंजाब से प्रभारी से हटाने का ड्रामा किया, लेकिन फिर आपने क्या किया, सारी आपत्तियों को नजरअंदाज किया, पंजाब की भावनाओं का अपमान करके आपने उसी व्यक्ति को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। नामदार, शर्म आपको आनी चाहिए, नामदार शर्म आपको आनी चाहिए। हुआ तो हुआ, मतलब क्या है, हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिंदा जला दिया गया, परिवारों को तबाह कर दिया, और बेशर्मी से कह रहे हो हुआ तो हुआ, हुआ तो हुआ। उन्नीस में जो कुछ हुआ उसने पूरी इंसानियत को तार तार कर दिया था। आपके इस चौकीदार ने इंसाफ का वादा आपसे किया था। 2014 में बादल साहब के साथ खड़े रह करके मैंने आपको वादा किया था कि आपके न्याय की लड़ाई मैं लड़ूंगा। बादल साहब के आशीर्वाद से आज मैं संतोष के साथ कह सकता हूं कि एक को फांसी के फंदे तक पहुंचाया है और बाकियों को उम्र कैद मिली है, और जो अभी बचे हैं वो भी ज्यादा दिन बाहर नहीं रह पाएंगे। भाई और बहनों, कांग्रेस की एक और ऐतिहासिक गलती है जिसको सुधारने का काम अब हो रहा है। 1947 में कांग्रेस ने बंटवारा तो करा दिया, लेकिन हमारी आस्था के केंद्र करतारपुर साहब जी को कुछ ही किलोमीटर के फासले में पाकिस्तान में जाने दिया। ये हमारी आस्था के प्रति कांग्रेस की असंवेदनशीलता का प्रतीक है। आज हम यहां कॉरिडोर बनाने का काम कर रहे हैं, तब भी कांग्रेस के लोग पाकिस्तान के गुणगान कर रहे हैं, पाकिस्तान के गीत गा रहे हैं। भाइयों और बहनों, पंजाब के हजारों लाखों सपूत सरहद पर नक्सली इलाकों में सीना तान कर खड़े हैं, लेकिन कांग्रेस को हमारे इन जवानों की भी कोई परवाह नहीं है। हुआ तो हुआ, वाले अहंकार में ही कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो, अपना ढकोसला पत्र भी बनाया। उसमें कहा गया है कि जान हथेली पर रखने वाले हमारे जवानों को, जान हथेली पर रखने वाले हमारे जवानों को वे हिंसा इलाकों में उनको जो विशेष अधिकार मिलता है उसको हटा देंगे। कांग्रेस चाहती है कि आतंक के पैरोकारों और पत्थरबाजों को हमारे जवानों को लहूलुहान करने का लाइसेंस मिल जाए। भाइयों और बहनों, कांग्रेस की तय नीतियों ने हमारे जवानों को भी खतरे में डाला है और देश की सुरक्षा को भी खतरे में डाला है, लेकिन आज पाकिस्तान को नए हिंदुस्तान के दम का एहसास हो गया है। हमारे वीर सपूतों ने घर में घुस करके मारा और पूरा हिंदुस्तान गर्व कर रहा है। भाइयों और बहनों, जवानों के साथ इन्होंने किसानों के साथ भी ऐसी ही ठगी की है। 10 साल में एक बार कर्ज माफी का ढिंढोरा पीटते हैं और उसमें भी घोटाला कर देते हैं। यहां पंजाब में तो कांग्रेस ने किसानों से कर्ज माफी की बात की थी, उसकी क्या सच्चाई है ये भी पंजाब का एक एक किसान जानता है।
ऐसी ठगी करने की क्या जरूरत थी। और आपकी ठगी का परिणाम है जिस पंजाब ने हिंदुस्तान को जिंदा रखा, जिस पंजाब के किसान ने हिंदुस्तान का पेट भरा, उस पंजाब का किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो, इससे बड़ी दर्दनाक कोई बात नहीं हो सकती है। लेकिन आपने यह किया और उसको सदमा पहुंचा है ठगी का, उसको गुस्सा आया है, उसके साथ धोखा हुआ उसका। और कैप्टन साहब, पंजाब का आदमी आपकी गलती माफ कर सकता है, आपका धोखा कभी माफ नहीं करेगा। भाई और बहनों, एक तरफ कांग्रेस के झूठे वायदे हैं तो दूसरी तरफ हमारे ईमानदार प्रयास है। हमने संकल्प लिया है 2022 तक किसान की आय दोगुनी करने का। इसके लिए बीज से बाजार तक काम हम कर रहे हैं। कपास सहित लगभग 2 दर्जन फसलों का एमएसपी लागत का 1.5 गुना तय कर दिया गया है। वहीं फूड प्रोसेसिंग को लेकर भी हरसिमरत जी के प्रयासों से तो आप भली भांति परिचित है। अब तो किसान के खाते में सीधे पैसे भी एनडीए की सरकार द्वारा जमा कराए जा रहे हैं। 23 मई को जब फिर एक बार मोदी सरकार आएगी तब इस योजना का दायरा और बढ़ाया जाएगा। पंजाब के हर किसान को ये मदद दी जाएगी।